आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसी अभिक्रिया के बारे में चर्चा करूंगा जो कम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस अभिक्रिया में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। आइए अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। आज की अभिक्रिया तीन नामों के द्वारा जानी जाती है। फर्स्ट हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया या हाफ मैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया या हाफ मैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। इंग्लिश में हाफ मैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन, सेकेंड हाफ मैन्स ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, थर्ड हाफ मैन्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। इस अभिक्रिया का महत्वपूर्ण बिंदु पहला, यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है। इस अभिक्रिया में एमाइड समूह प्राथमिक एमीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में एमाइड समूह प्राथमिक एमीन समूह में परिवर्तित हो जाता है, यानी इस अभिक्रिया में एमाइड के द्वारा प्राथमिक एमीन प्राप्त किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, अभिक्रिया का अभिकर्मक। अभिक्रिया में चार प्रकार का अभिकर्मक प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन या KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड या NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अर्थात इस अभिक्रिया में चार अभिकर्मों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन का प्रयोग करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन का प्रयोग करें या पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड का प्रयोग करें या सोडियम हाइपोब्रोमाइड का प्रयोग करें। इस अभिक्रिया का थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उपयुक्त अभिक्रिया के द्वारा केवल प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, यानी इस अभिक्रिया के द्वारा केवल प्राथमिक एमीन ही प्राप्त किया जाता है, परंतु द्वितीयक एमीन व तृतीयक एमीन नहीं बनाए जाते, द्वितीयक और तृतीयक एमीन प्राप्त नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट, इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन परमाणु की कम श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक प्राप्त करने में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन परमाणु की कम श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक प्राप्त करने में किया जाता है। तो इस पॉइंट के द्वारा जो सेकेंड नाम है हाफ मैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, तो निम्नीकरण नाम क्यों पड़ा, डिग्रेडेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उत्पाद के रूप में कम कार्बन परमाणु वाला कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। देख लीजिए ध्यान से, इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन परमाणु की कम श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक प्राप्त करने में किया जाता है, यानी अभिकारक में जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। जब अभिक्रिया के बाद उत्पाद प्राप्त होता है कार्बनिक यौगिक के रूप में, उसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला कम हो जाती है, इसलिए इस अभिक्रिया को निम्नीकरण हाफ मैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है।
यह जो अभिक्रिया है जो तीन नामों से जानी जाती है यह प्राथमिक एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। सिक्स पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती इंटरमीडिएट मध्यवर्ती पहले अभिकारक होता है, अभिकारक के बाद एक पद दो पद तीन पद में अगर अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या क्या पदार्थ बनते हैं उसको हम मध्यवर्ती बोलते हैं, उस मध्यवर्ती के द्वारा उत्पाद प्राप्त होता है। तो तीन प्रकार के मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं, RCO NHBr जिसे N ब्रोमो एल्केनामाइड कहते हैं, सेकेंड मध्यवर्ती RCO N एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती प्राप्त होता है, एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती प्राप्त होता है, थर्ड RNCO एल्किल आइसोसाइनेट मध्यवर्ती प्राप्त होता है। तीन प्रकार के मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, RCO NHBr N ब्रोमो एल्केनामाइड, सेकेंड RCO N एसिल नाइट्रीन, थर्ड RNCO एल्किल आइसोसाइनेट। इसका जो पॉइंट है एल्किल आइसोसाइनेट का अंतः अणुक पुनर्विन्यास होता है इस अभिक्रिया में, यानी इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है इस अभिक्रिया में। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह पूछा जाता है कि एल्किल आइसोसाइनेट का जो रीअरेंजमेंट होता है पुनः विन्यास होता है उस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो उस अभिक्रिया का नाम है हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया या हाफ मैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया या हाफ मैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सिक्स बिंदु यहाँ पे प्रदर्शित हैं, यही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्नों के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में, इसे ध्यान से देख लीजिए। अभिक्रिया एमाइड समूह जो है प्राथमिक एमीन में परिवर्तित होता है, इस अभिक्रिया में जो अभिकर्मक है NaOH प्लस Br2 चार अभिकर्मक हैं, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस अभिकर्मक की उपस्थिति में एमाइड जो है प्राथमिक एमीन में परिवर्तित हो जाता है, इस अभिक्रिया को हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। पहले एमाइड, एमाइड कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र RCONH2 IUPAC नामकरण में एमाइड को एल्केनामाइड कहते हैं। पहला सदस्य HCONH2 जिसे मेथेनामाइड, सेकेंड सदस्य CH3CONH2 एथेनामाइड, नेक्स्ट CH3CO CH2CH3 वन कार्बन मेथेनामाइड, CH3CO2 कार्बन एथेनामाइड, CH3CH2CONH2 3 कार्बन प्रोपेनामाइड, एल्केनामाइड 3 कार्बन प्रोपेनामाइड, C6H5CONH2 बेंजीन रिंग है बेंजामाइड। तो एमाइड कार्बनिक यौगिक को IUPAC नामकरण में एल्केनामाइड कहते हैं। प्राथमिक एमीन कार्बनिक यौगिक का समान सूत्र, चूंकि प्राथमिक एमीन यहाँ प्राप्त हो रहा है तो समान सूत्र RNH2 IUPAC नामकरण एल्केनामीन कहते हैं। फर्स्ट मेंबर CH3NH2 मेथेनामीन, सेकेंड
CH3CH2NH2 टू कार्बन, एथेनामीन CH3CH2CH2NH2 थ्री कार्बन, प्रोपेनामीन C6H5NH2 बेंजीन रिंग आ गया जिसे एनिलीन कहते हैं। एनिलीन प्राथमिक एमीन के अंतर्गत आता है। एल्केनामाइड के एग्जांपल्स हैं एमाइड ग्रुप में एक प्राथमिक एमीन का IUPAC नामकरण है। 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसमें कार्बन श्रृंखला 1 है इस ग्रुप में, लेकिन यहाँ से कार्बन जो है एटम जो है 1 है, यहाँ कार्बन एटम जो है बिल्कुल नहीं है, यानी इस अभिक्रिया में कम कार्बन श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। इसलिए जो एमाइड का पहला मेंबर है जिसे मेथेनामाइड कहते हैं, यह जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसके द्वारा प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन है और यहाँ पे कार्बन जो है एमाइड जो है एमीन में परिवर्तित हो रहा है, तो कार्बन जो है परमाणु है यहाँ से गायब हो जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ एक कार्बन है तो इसके द्वारा एमीन प्राप्त प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं होगा। तो ध्यान से इसे देख लीजिए कि एमाइड कार्बनिक यौगिक का जो समान सूत्र है जिसके अंतर्गत ये जो सदस्य कार्बनिक यौगिक हैं उसमें जो प्राथमिक सदस्य है जिसे मेथेनामाइड कहते हैं, यह हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता और इस कार्बनिक यौगिक के द्वारा मेथेनामाइड कार्बनिक यौगिक के द्वारा प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं होता है इस अभिक्रिया में। इसे ध्यान से देख लीजिए। इस अभिक्रिया में एमाइड कार्बनिक यौगिक को ब्रोमीन व कास्टिक सोडा के जली या एल्कोहलिक विलयन के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन यौगिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है। एमाइड रिएक्शन RCO NH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH। RCO NH2 प्लस Br2 4NaOH गर्म RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O ये अभिक्रिया है। RNH2 प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है और 2H2O वाटर निकलता है। देख लीजिए R सिंगल तो R, NH2 एक NH2, C1 ऑक्सीजन 1, 4, 5, 3, 2, 5 ब्रोमीन 2, 2 ब्रोमीन सोडियम 4 Na2 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4। एग्जाम्पल HCO
NH2 Br2 फोर NOH, यह क्रिया नहीं हुई। पहले बता चुका हूँ कि मेथेनामाइड से यह प्राथमिक अमीन प्राप्त नहीं होता है इस अभिक्रिया के द्वारा। CH3CO NH2 एथेना 1,2 एथेनामाइड प्लस Br2 4 NaOH गर्म करने पर मेथिलमीन मेथेनामीन कहते हैं इसे। यहाँ 2 कार्बन है, कार्बन की श्रृंखला कम हो गई प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2H2O। प्रोपेनामाइड CH3CH2CO NH2 प्लस Br2 प्लस 4 NaOH हीट करने पर 1,2,3 कार्बन, कितने कार्बन का प्राप्त होगा? 2 कार्बन का, CH3CH2NH2। एथिल एमीन प्राप्त होगा, एथिल एमीन प्राप्त होगा जिसे एथेनामीन कहते हैं, प्लस Na2CO3 2NaBr प्लस 2H2O। बेंजामाइड C6H5CO NH2 बेंजामाइड फोर NaOH तो एनिलीन प्राप्त होता है C6H5NH2। यहाँ पे 6 से 7 कार्बन थे लेकिन यहाँ कितने कार्बन बचे? 6 कार्बन, यानी कार्बन परमाणु की श्रृंखला कम प्राप्त हो रही है इस अभिक्रिया में। प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2H2O। इस प्रकार यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पूर्ण हुई। ये समान अभिक्रिया है, समान अभिक्रिया है और इस समान अभिक्रिया द्वारा जो है 3 उदाहरण है। एथेनामाइड से मेथिलेमिन बनाया जाता है, प्रोपेनामाइड से एथिलेमिन बनाया जाता है, बेंजामाइड से एनिलीन बनाया जाता है। अभिक्रिया देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यह अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं इस अभिक्रिया का क्रियाविधि बताऊंगा और साथ ही साथ इस अभिक्रिया पर आधारित जो क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।